इस वीडियो में आपको 0x0 फॉर्म को हैंडल करना सिखाते हैं। 0x0 फॉर्म की जब कभी भी बात आती है, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल देते हैं। मतलब दोस्तों, जब इस फॉर्म में प्रॉब्लम आती है तो वो फंस जाती है एक तरीके से। यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन न्यूमरेटर में, फंक्शन डिनोमिनेटर में, ऐसे लिख सकते हैं, उन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि हम कहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इस केस में जब लिमिट लगती है और 0x0 फॉर्म हमें मिलती है तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें बहुत हेल्प करता है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस फॉर्म से प्रॉब्लम को निकालने के लिए। किस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे, क्या क्या उसकी बेसिक एडवांटेजेस हमारे पास है और हम क्या उसमें किस तरह अप्लाई करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं पहले प्रॉब्लम को 0x0 फॉर्म में लेके आऊँगा और फिर हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एग्जांपल से ही शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है, एक्स की पावर 3, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है। अगर आप इस केस में एक्स इक्वल टू 2 पुट करते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इक्वल टू 2 आप पुट करते हैं, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी दोस्तों, गौर कीजिएगा। आपको वैल्यू यहाँ मिलने वाली है 2 की पावर क्यूब माइनस ऑफ 4 इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इंटू 2। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 माइनस ऑफ 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, ये 8 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टू 8, डिवाइड कर देंगे 2 टू 4 और ये दोस्तों ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 8 प्लस 8 16 हो रहा है, ये 16 से माइनस हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आपको पता है किस तरह की फॉर्म मिल गई यहाँ पे, 0x0 फॉर्म। ये जो फॉर्म है 0x0 फॉर्म, ये बड़ी तंग करती है हमें, तो हमें प्रॉब्लम को यहाँ पे आने से रोकना है, हमें यहाँ पे नहीं लेके आना है। इसको समझने के लिए, इसको बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है, जैसे जो हमने यहाँ पे रखी हुई है, हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले न्यूमरेटर को लेके चलते हैं, इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर कैसे दिख रहा है, देखिए हमें एक्स बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 एक्स प्लस ऑफ 4 आ गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स यहाँ आ गया, ये देखिए ये क्या है, ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4x, ठीक है। न्यूमरेटर मेरा इस फॉर्म में आ गया, ये एंड फॉर्म थी, यहां पर हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी, यहां पर हमने इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म करके इसको एंड फॉर्म, इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। ये कंसेप्ट सेम तरीके से दिखता है जैसे हम नंबर्स में उसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर के बाद वो नंबर और आगे नहीं टूटता है, ऐसे ही इस प्रॉब्लम में ये नंबर जो है, ये पॉलिनोमियल जो है, ये इस फॉर्म के आगे नहीं टूटेगा। यहां पे चलते हैं, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाता है, ये रिजल्ट हमारे पास है। तो यहां पर हम किस तरह से लिखने वाले हैं, यहां पर हम इसको इस तरह लिखेंगे इस प्रॉब्लम को, कि ये प्रॉब्लम अब इस फॉर्म में आ गई, x बाहर आ गया, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, ये x माइनस 2 और x प्लस 2। अब देखिए यहां पर अब हम कटिंग शुरू करेंगे इसकी, किस किस से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये 2 हटा देंगे, ये x माइनस 2 से कैंसिल आउट आएगा, और कोई चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही है लगभग, तो ये प्रॉब्लम यहाँ इस तरह बन जाएगी, x x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2। अब इसको सेम लिमिट में लगा देंगे, हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी, x टेंड्स टू 2 x x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से जब x की वैल्यू 2 रखेंगे हम यहाँ पे, x इक्वल टू 2 रखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये मिलेगा मुझे 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 4, ये आंसर आएगा इसका 0। दोस्तों आंसर 0 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन जो चीज़ थी, हमें यहाँ नहीं फंसना 0x0 की फॉर्म में, हमें इसको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा ये वाला, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और जब सिंप्लीफाई करने हम उसको निकले तो हमने देखा कि जो फैक्टराइज फॉर्म है, फैक्टर्स किस तरह से उसके निकलते चले जाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है किसी भी इंटरडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का। और एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं किस तरह से आपको रिजल्ट हम दिखाएंगे। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6,
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, इस तरह से हमने इसको ले लिया। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से एक्स इक्वल टू टू रखेंगे डायरेक्ट मेथड से, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा गौर कीजिएगा दोस्तों, आपको रिजल्ट मिलने वाला है टू का स्क्वेयर माइनस ऑफ फाइव इंटू टू प्लस ऑफ सिक्स, इसको ऐसे रखेंगे टू का स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर, यह आ जाएगा फोर माइनस फाइव टू जै टेन प्लस सिक्स, यह आ जाएगा फोर माइनस फोर, यह आ जाएगा टेन माइनस टेन डिवाइड बाई फोर माइनस फोर। फिर से उसी फॉर्म में आ गए हम दोस्तों, जीरो बाई जीरो की फॉर्म। इस फॉर्म को हमें निकालना है, यहाँ से इस फॉर्म को तोड़ना है। किस तरीके से इसका फर्दर हम जैसे मैंने फैक्टराइजेशन बताया था करके देखते हैं। इसको अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है विजुलाइज करना। गौर कीजिएगा ये क्या है, ये मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ थ्री एक्स माइनस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ सिक्स, ऐसे मैंने सॉल्व किया। इसको फर्दर मैं लेके जाऊंगा, फर्दर इसके फैक्टर करूंगा तो ये क्या है दोस्तों, x कॉमन आ गया x माइनस थ्री माइनस ऑफ टू x माइनस थ्री, ये आ गया दोस्तों फर्दर x माइनस टू और x माइनस थ्री, इस तरह से आ गया। नीचे वाला कैसे जाएगा, x माइनस टू और x प्लस टू, इस तरह से जाएगा। तो ये प्रॉब्लम पूरा किस तरह की स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस टू और x माइनस थ्री, ऐसे ही पूरा फैक्टर बन गया। ये नीचे आएगा x माइनस टू और x प्लस टू, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको कैंसिल आउट करना है, जो डिनोमिनेटर जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कर देते हैं। x माइनस टू से x माइनस टू जा रहा है डायरेक्टली, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे x माइनस थ्री और x प्लस टू, ये हमें डायरेक्ट मिल रहा है। तो लिख देंगे हम लिमिट x टेंड्स टू टू, ठीक है, x माइनस थ्री डिवाइड बाई x प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू 2 रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा 2 माइनस थ्री और ये 2 प्लस टू इजिकल टू माइनस वन डिवाइड बाई फोर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई फोर, हम इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चीज़ें वही हैं, जस्ट हमें x की जो 2 पे वैल्यू है वो इंटरडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी, उसको सॉल्व करके हमने इस फैक्टर्स में ब्रेक किया और फर्दर हमने यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और चीज़ें देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। तो अगर हम दोस्तों इसके बेसिक एल्गोरिदम की बात करें तो ये काम कैसे करता है, अगर हमारे पास कोई भी लिमिट हमने जैसे ली हुई थी x टेंड्स टू a, हमारे पास दो फंक्शन थे, एक था न्यूमिनेटर में और एक था डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा, जो एफ एक्स है वो जीरो आ जाता है कहाँ पे, x जब a रख देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जी एक्स को देखें, जी एक्स की वैल्यू भी जीरो आ रही है कहाँ पे, एक्स की वैल्यू ए पे। अगर इस तरह से हो जाता है तो ये देखिए पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ना वो जीरो बाय जीरो की फॉर्म में आ जाता है। ये जो फॉर्म है इनडिटर्मिनेटेड फॉर्म, इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ से इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एफ एक्स के पहले फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, फिर हम जी एक्स के फैक्टर करेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि जो फैक्टर्स हैं ये आपस में कैंसल आउट हो रहे होंगे, नहीं तो कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हमें यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आने वाला है कैंसल आउट करने के बाद, इसमें हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड मतलब आप यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए रख दीजिएगा, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी और आप इस फॉर्म से बाहर आ जाएंगे। आपको कुछ बेसिक रिजल्ट दे देते हैं, बेसिक फॉर्मूला दे देते हैं जिससे बहुत काम आते हैं फैक्टराइजेशन को करने में। ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी, बहुत यूजफुल है रिजॉल्व करने में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म किस तरह सॉल्व होगी, ए माइनस बी तो बाहर आ ही जाएगा क्योंकि नेगेटिव जो है वो एक्सपोनेंट में लगे हुए हैं, फिर होगा ए स्क्वेयर प्लस ऑफ बी, फिर आएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इसी रिजल्ट को पॉजिटिव वे में भी देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ये ए प्लस बी आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और रिजल्ट देखते हैं, ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर, क्या रिजल्ट देने वाला है, ये देने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वेयर प्लस ऑफ बी स्क्वेयर, ठीक है। ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम और फर्दर लिख सकते हैं यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ऑफ बी स्क्वेयर।
इस तरह से दोस्तों ये फॉर्म चलेंगी। तो फॉर्मूला जो है ये बहुत यूज़फुल हैं, काफ़ी हैंडी हो जाते हैं जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इनमें डायरेक्ट डाल के आप इस फैक्टराइज फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम 0/0 की फॉर्म को हैंडल करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत यूज़फुल मेथड है, बहुत ही काम आता है लिमिट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।